नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फी स्टे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में बात करने वाले हैं, जो बिहार में इनके 10,101 पोस्ट पर बहाली निकल के आई थी, जिसमें पोस्ट था अमीन, कानूनगो, क्लर्क और ASO का, जिसका एग्जाम 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें 4 अगस्त के दोनों शिफ्ट का एग्जाम को रद्द कर दिया गया था और नेक्स्ट नया डेट दिया था 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच। तो दोस्तों ऐसे में आज 23 अगस्त हो चुकी है और अभी तक विभाग की तरफ से नहीं कोई नोटिस जारी हुआ है, नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है। ऐसे में स्टूडेंट सुबह से ही परेशान है और स्टूडेंट के द्वारा बार बार कॉल और मैसेज आ रहा है, सर एक वीडियो बनाइए, सर प्लीज़ हेल्प कीजिए और बताइए सर कहाँ से हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, क्या सर सही में 26 से लेकर 29 एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या कुछ अपडेट निकल के आई अभी विभाग की तरफ से। सुबह से लेकर अभी तक स्टूडेंट द्वारा फ़ोन आ रहा था और अभी देखिए रात को 9 बजने वाला है और उसके बाद अभी हम वीडियो बना रहे हैं। सुबह हम मेल भी किए थे विभाग को, क्या कुछ अपडेट निकल के आई, सारी जानकारी वन बाय वन कर इस वीडियो में बताने वाले हैं, कहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, जो अपना एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और अभी तक कोई नोटिस नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 तारीख को जो एग्ज़ाम को रद्द किया गया था वही अभी देख लीजिए नोटिस दिख रहा है, नहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है, कहीं कुछ अपडेट नहीं निकला है और विभाग को जो मेल किए उसका भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया विभाग की तरफ से। तो थोड़ा और वेट करना है आपको, हो सकता है कल आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए या लिंक एक्टिवेट कर दिया जाए या कोई नोटिस डाउनलोड करके विभाग कुछ अपडेट करे, वो आपको कल तक वेट करना है। वैसे हम मेल किए हैं, मेल का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और विभाग से रिक्वेस्ट हम करते हैं ताकि वह एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट करें या कोई नोटिस दे के या अपडेट करें जो एग्ज़ाम हम कब लेंगे या 26 से लेकर 29 तक एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट परेशान है और एग्ज़ाम जब से ही रद्द हुआ है 4 अगस्त वाला स्टूडेंट पढ़ भी नहीं रहा है, पूरे परेशान है, सभी स्टूडेंट बार बार कॉल और मैसेज कर रहा है। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि हम मेल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट निकल के आती है, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको बताए थे 2 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ था, आप लोग कितना परेशान थे, हम आपको बोले थे जो PhD की क्लासेज आपके साथ है आपको परेशान नहीं होना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, एग्ज़ाम भी हुआ, 4 तारीख का जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था उसका भी नया डेट मिल चुका है, परेशान नहीं होना है, 26 से लेकर 29 तक आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए आपको हैरान नहीं होना है, कल आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी बता दिए हम, जैसे ही एडमिट कार्ड विभाग की तरफ से या कोई भी मैसेज आएगा या विभाग नोटिस जारी करेगा, सबसे पहले आपको PhD की क्लासेज अपडेट करेगा। इसलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।